नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके न्यूज़ चैनल खास खबरों पर। दोस्तों आज की बड़ी 25 खबरें हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है, हर घर को एक गैस। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़ LPG कनेक्शन जारी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बुधवार को सरकार ने 6 करोड़ मुफ्त LPG गैस कनेक्शन की जारी किए। इस योजना का लक्ष्य देश के हर घर में स्वच्छ रसोई गैस ईंधन पहुंचाना है, जो अपने तय कार्यक्रम से आगे चल रहा है। दोस्तों इसके बाद अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, घर खरीदारों को मोदी सरकार का तोहफा, एक साल और उठाए इस स्कीम का फायदा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है। सरकार आपके कई तरह की राहत देने के मूड में है। सरकार ने जहाँ क्रेडिट लिमिट सब्सिडी स्कीम को एक साल के लिए बढ़ाया, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को भी 12% GST स्लैब से घटाने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में दिए अपने इंटरव्यू के दौरान इसे दोहराया है। दोस्तों इसके बाद अगली बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली से वाराणसी के बीच चलेगी ट्रेन 18, सिर्फ 8 घंटे के पहुंचेगी बनारस, रेल मंत्री। जी हाँ दोस्तों, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रेन 18 के दिल्ली से वाराणसी तक जाने की पुष्टि करते हुए बुधवार को कहा कि ट्रेन का सफ़र 8 घंटे का होगा और इसकी गति इस मार्ग पर सबसे तीव्र गति वाली ट्रेन से 1.5 गुना ज़्यादा होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, GST काउंसिल की अगली बैठक 10 जनवरी को, आपको मिल सकती है ये सौगातें। GST काउंसिल की अगली बैठक 10 जनवरी को होगी। इस बैठक में कई बड़े फैसले हो सकते हैं। बैठक के अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट और मकानों पर GST के दर को 5% किया जा सकता है, अभी यह 12%। इसके अलावा छोटे कारोबारियों ने लिए छूट की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। ये काउंसिल की 32वीं बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पिता को पसंद नहीं आता था बेटी पर फ़ोन बात करना, केरोसिन डालकर कर दिया यह हाल। जी हाँ दोस्तों, आजकल के मॉडर्न ज़माने में एक लड़के का गर्लफ्रेंड होना और लड़के के लिए बॉयफ्रेंड होना एक ट्रेंड सा बन गया है। आजकल के बच्चों को जितना यह पसंद है उतना ही माता पिता को परेशान करता है। और दोस्तों कई बार कुछ माता पिता ऐसे होते हैं गुस्से में आकर कुछ ऐसे हरकत कर देते हैं कि जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे ही घटना महाराष्ट्र में घटी है। दरअसल दोस्तों बताया जा रहा है, लड़की मोबाइल पर रोजाना बात करती थी, लड़की की यह आदत पिता को पसंद नहीं थी। गुस्साए पिता ने बेटी को जिंदा जलाने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक पिता को शक था कि उसका किसी के साथ संबंध है और वह लगातार उसी से बात करती थी। बार बार पूछने पर भी जब लड़की ने उसका नाम नहीं बताया तो पहले पिता ने मोबाइल पटक कर तोड़ दिया और बाद में केरोसिन डालकर लड़की को जिंदा जला देने की कोशिश की। इसके बाद अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, देना बैंक विजया बैंक के बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय को मंजूरी, नहीं होगी किसी कर्मचारी की छटनी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सरकारी बैंकों देना बैंक विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के विलय को मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद के मुताबिक इस विलय से बैंक ऑफ बड़ौदा देश का तीसरा सबसे बड़ा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा निकाय बन जाएगा। मंत्री ने कहा है कि इस विलय से कर्मचारी की छटनी नहीं होगी, क्योंकि देना और विजया बैंक के कर्मचारियों को बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दोस्तों इसके बाद अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आने वाले दिनों में महंगा हो सकता है दूध, इस एक वजह से कंपनी बढ़ा सकती है दाम। जी हाँ दोस्तों, दूध उत्पादन में हम भले ही दुनिया में नंबर 1 हो, लेकिन प्रति पशु दूध उत्पादन के मामले में बहुत पीछे है। भारत में दूध उत्पादन का औसत महज 3 लीटर प्रति पशु है, जबकि यह औसत ऑस्ट्रेलिया में 16 और इसराइल में 36 लीटर प्रति पशु है। तो इस वजह से यहाँ पशुपालक किसानों के हालात कुछ अच्छे नहीं है, जबकि दूध से जुड़े कारोबारी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पशुओं तथा पशुपालकों की बदहाली का असर अब दूध उत्पादन पर भी दिखने लगा है। दूध की सप्लाई कम होने से देश के प्रमुख दूध उत्पादक कंपनियां दूध के दामों में इजाफा करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों इसके बाद अगली बड़ी खबर निकल कर आई है, अब घर बैठकर मिलेगा पेट्रोल डीजल, IOC ने शुरू की सेवा, होम डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं। जी हाँ दोस्तों, ई कॉमर्स का इतना प्रचलन हो गया है कि घर बैठे हम खाना पीने की चीज़ों से लेकर जरूरत के सभी सामान ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल ना हो और डीजल डलवाना हो तो पेट्रोल और पंप पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी और पेट्रोल पंप के बाहर लंबी कतारें आम बात है।
लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने ऑनलाइन पेट्रोल डीजल मंगवाने की सुविधा कर दी है। IOC के मुताबिक अब आप घर बैठे कम से कम 200 लीटर पेट्रोल और डीजल मंगवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आधार कानून के उल्लंघन पर इकाइयों को देना पड़ेगा 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने आधार कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले इकाइयों पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया है। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि यदि किसी कंपनी द्वारा नियमों का उल्लंघन का सिलसिला जारी रहता है तो 1 करोड़ रुपए के अतिरिक्त उन पर प्रतिदिन 10 लाख रुपए अतिरिक्त जुर्माना लगाने का प्रावधान है। दोस्तों इसके बाद अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोर्ट में दायर किया गया परिवाद। जी हाँ दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर लिखी गई संजय बारो की किताब के आधार पर बनी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर देश भर में चर्चा का विषय बना हुई है। जहाँ इस फिल्म का कांग्रेस समर्थकों द्वारा विरोध किया जा रहा है, वही फिल्म को रिलीज करने से रोकने की धमकी दी जा रही है। अब इस फिल्म के खिलाफ कोर्ट में 14 लोगों पर परिवाद दायर किया गया है। इसके मुख्य कलाकार अनुपम खेर, अक्षय खन्ना और हंसल मेहता समेत 14 लोगों के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी, पंजाब और हरियाणा में लोगों को ठंड से मिली राहत। जी हाँ दोस्तों, पंजाब और हरियाणा में बुधवार को न्यूनतम तापमान में हल्की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके चलते लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है। पिछले करीब 3 हफ्तों से न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहा और पारा 1 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। 2 मौकों पर आदमपुर में तापमान 0 से भी नीचे चला गया था। हालांकि दोनों राज्यों में कई स्थानों पर बुधवार का तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। इसके बाद अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सारा अली खान ने कैटरीना को किया रिप्लेस, वरुण धवन के साथ इस फिल्म में मिला रोल। जी हाँ दोस्तों, सारा अली खान ने पहली फिल्म से लोगों का दिल जीत लिया है। बीते साल दिसंबर में फिल्म केदारनाथ और सिम्बा से बॉलीवुड में कदम रखने वाली एक्ट्रेस सारा अली खान इन दिनों खबरों में छाई हुई है। दोस्तों इसके बाद अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भारत में नए साल में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या 70,000, दुनिया में सर्वाधिक, यूनिसेफ। माना जा रहा है कि नए साल के पहले दिन दुनिया भर में 3,95,000 बच्चों ने जन्म लिया। भारत में इस दिन जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या 70,000 है, जो कि दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले सर्वाधिक है। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र वाले कोष यानी कि यूनिसेफ ने दी है। दोस्तों इसके बाद अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, यूपी में नए साल के जश्न में लोगों ने गटक ली 50 लाख लीटर शराब। जी हाँ दोस्तों, बीते साल को अलविदा और नए साल का स्वागत करते हुए उत्तर प्रदेश के शराब के शौकीनों ने नए साल की पूर्व संध्या में 50 लाख लीटर शराब गटक ली है। दोस्तों इसके बाद अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रकाश राज ने राजनीति में आने की घोषणा की, कहा 2019 में लड़ूंगा लोकसभा चुनाव। जी हाँ दोस्तों, राजनीति में आने की औपचारिक घोषणा करते हुए फिल्म जगत के मशहूर एक्ट्रेस प्रकाश राज ने मंगलवार को कहा 2019 का लोकसभा चुनाव वह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता एक्टर ने ट्वीट कर इसकी घोषणा की है। दोस्तों प्रकाश राज ने ट्विटर किया है, सभी को नए साल की मुबारक, नई शुरुआत और जिम्मेदारियां, आपके समर्थन से मैं आगामी लोकसभा चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ूंगा। संसदीय क्षेत्र के संबंध में जानकारी जल्द ही दूंगा। संसद में अब की बार जनता की सरकार। दोस्तों इसके बाद अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का ट्रेलर यूट्यूब से गायब, अनुपम खेर ने उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, अनुपम खेर की आने वाली फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का ट्रेलर रिलीज होने पर यह खासी चर्चा में आया था, लेकिन अब वे यूट्यूब पर सहज सर्च में नहीं आ रहा है। इसके बारे में अनुपम खेर ने ट्विटर पर यूट्यूब के लिए एक ट्वीट भी किया है। फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का किरदार निभाने वाले दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर का कहना है कि फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब पर सहज उपलब्ध नहीं है। अनुपम खेर ने ट्वीट किया है, डियर यूट्यूब, मुझे हमारे देश से अलग अलग हिस्से से फ़ोन और संदेश आ रहे हैं। अगर आप द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर टाइप करेंगे तो वह 50वें पायदान पर भी नहीं दिखाई देगा। उन्होंने आगे लिखा, हम कल नंबर 1 स्थान पर ट्रेडिंग कर रहे थे, कृपया हमारी मदद कीजिए। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, शराब पिएंगे तो गाय को भी देना होगा दान, योगी सरकार का नया फरमान। गायों के संरक्षण को लेकर हमेशा मुखर रहने वाली उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब इनके संरक्षण के लिए एक नई योजना बनाई है।
इस योजना के तहत योगी सरकार उत्तर प्रदेश के सभी नगर निकायों तथा गांवों में अस्थायी गौशाला खोलेगी। नए प्रस्ताव के अनुसार गायों के संरक्षण के लिए प्रदेश की योगी सरकार शराब और राज्य के टोलों पर 0.5% का अतिरिक्त उपकर लगाएगी। साथ ही सरकार ने उत्पाद शुल्क पर 2% का उपकर लगाया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, रातों रात इतने ग्राहकों का बदल जाएगा बैंक अकाउंट, मोदी सरकार ने लिया है ये बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट ने बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक के विलय को मंजूरी दे दी है। केंद्र की मोदी सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 3 बड़े बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक के विलय को मंजूरी दे दी है। यह विलय 1 अप्रैल 2019 से लागू होगा। इस विलय के साथ ही देना बैंक और विजया बैंक के करोड़ों खातेधारकों की पासबुक और चेकबुक रातों रात बदल सकती है। यानी कि आपको 31 मार्च के बाद लेन देन के लिए नई पासबुक और चेकबुक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस विलय के बाद बनने वाले बैंक ऑफ बड़ौदा के पासबुक कुल 9,401 बैंक शाखाएं और कुल 13,432 एटीएम हो जाएंगे और ये भारत के सबसे बड़े बैंकों में से एक बैंक बन जाएगा। दोस्तों इसके बाद बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किसानों को मोदी सरकार का तोहफा, 4,000 रुपए प्रति एकड़ आर्थिक मदद और ब्याज मुक्त मिलेगा लोन। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार अन्नदाताओं को बड़ा तोहफा देने का विचार कर रही है। सरकार किसानों को बड़ी राहत की योजना कर रही है। किसानों को 4,000 प्रति एकड़ रुपए आर्थिक सहायता देने जा रही है। सरकार खेती के लिए हर सीजन में 4,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से आर्थिक मदद करेगी और ये जो पैसा है जो सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक सरकार किसानों का 1,00,000 तक का ब्याज मुक्त करने की भी घोषणा करेगी और इसी हफ्ते इसका ऐलान किया जाएगा। इस योजना पर सालाना खर्च 2.3 लाख करोड़ का होगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अब आपके व्हाट्सएप पर मिलेगी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इस बड़ी कंपनी ने शुरू किया सेवा। जी हाँ दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने बुधवार से अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप द्वारा पॉलिसी देने की सेवा शुरू कर दी है। कंपनी ने व्हाट्सएप के माध्यम से रिन्यूअल प्रीमियम रसीदों भी देना शुरू कर दी। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, काले धन पर सरकार को बड़ी सफलता मिली है, स्विस खाते के बारे में 2019 में मिलेगी जानकारी। काले धन को लेकर भारत को साल 2019 में सबसे बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। सरकार ने बुधवार को जानकारी दी कि इस साल की स्विस बैंकों में वित्तीय खाते से संबंधित जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी। विदेशी मामलों में राज्य मंत्री VK सिंह ने लोकसभा में एक सवाल विदेशी मामले के राज्य मंत्री वीके सिंह ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में इसके बारे में जानकारी दी। दोस्तों इसके बाद अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इस गणतंत्र दिवस पर चारबाग रेलवे स्टेशन पर 101 फीट ऊंचा राष्ट्रध्वज लहराएगा। इसे 26 जनवरी से पहले पूरा करने की तैयारी तेज कर दी गई है। तिरंगा स्टेशन के गांधी पार्क में लगाया जाएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राजस्थान सरकार का नया साल का तोहफा, 10,000 संविदा कर्मियों का बढ़ाया मानधन। जी हाँ दोस्तों, सहकारी संस्थाओं में आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त होने वाले कर्मियों के मानदेय में 4,000 रुपए से 8,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। मानदेय बढ़ने से ऐसे कर्मियों का आर्थिक जीवन सुगम होगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, तमिलनाडु सरकार का ऐलान, पोंगल पर राशन कार्ड धारकों को मिलेगा 1,000 रुपए और गिफ्ट हैम्पर। जी हाँ दोस्तों, पोंगल को लेकर तमिलनाडु सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में सभी राशन कार्ड धारकों को पोंगल उत्सव मनाने के लिए 1,000 रुपए नगद और एक गिफ्ट हैम्पर मुहैया करवाया जाएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मुंबई के एक बिजनेसमैन के साथ मोबाइल फोन पर ऐसी ठगी हुई है कि वह कुछ ही घंटों में 1,86,00,000 रुपए गवा बैठा। दरअसल कुछ साइबर ठगों ने उनके मोबाइल पर 6 बार मिस कॉल की थी। इनमें से एक नंबर ब्रिटेन के +44 कोड से शुरू हुआ था। ये कॉल चूंकि आधी रात के बाद आई थी, सो बिजनेसमैन वी शाह ने बाद में उन पर कॉल बैक किया तो पता चला कि उनका सिम डीएक्टिवेट हो चुका था और उसके बैंक खाते से 2.25 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा उड़ चुके थे। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लोकसभा चुनाव से पहले सरकार का बम्पर ऑफर, हर परिवार को मिलेगा मुफ्त में स्मार्टफोन। 2019 के चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियां हर संभव कोशिश कर रही है। ऐसे में आंध्र प्रदेश की एन चंद्रबाबू नायडू सरकार ने नायडू सरकार का कहना है कि स्मार्टफोन के जरिए सरकार हर आदमी को सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 9वीं एवं 10वीं के सामान्य छात्रों को अब मिलेगा 3,000 सालाना वजीफा। प्रदेश में कक्षा 9 और 10 के सामान्य वर्ग के छात्रा को भी अब 3,000 रुपए सालाना छात्रवृत्ति मिलेगी।
इतना ही नहीं, उनके लिए पात्रता की शर्तों में परिवार की सालाना इनकम भी 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया गया है। इसका फायदा 3 लाख से ज्यादा छात्राओं को मिलेगा। चुनावी वर्ष में योगी सरकार का यह फैसला छात्रों के लिए बड़ा तोहफा माना जा रहा है। इसके बाद अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, 8 रुपए सस्ता हो जाएगा पेट्रोल। मोदी सरकार करने जा रही है बड़ा बदलाव। दोस्तों, पेट्रोल डीजल के भाव को लेकर ये बहुत ही बड़ी अच्छी खुशखबरी है। देश में जल्द ही पेट्रोल 8 रुपए तक सस्ता हो जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार और नीति आयोग की ओर से तैयारी शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार मार्च महीने तक देश में 15% मिथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बिकना शुरू हो जाएगा, जो आम पेट्रोल से 8 रुपए तक सस्ता है, जिससे देश के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।